सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के फ्रेश एपिसोड में। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि एक मिलिट्री टैंक युद्ध भूमि में कितनी अहम भूमिका निभाता है, और आपने दुनिया भर के कई अत्याधुनिक मिलिट्री टैंक्स के बारे में सुना होगा जो कि कई अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मिलिट्री की दुनिया में एक टैंक ऐसा भी इस्तेमाल होता है जिसमें कोई भी अत्याधुनिक हथियार नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये टैंक मिलिट्री पर्सनल्स के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम बात कर रहे हैं किसी भी मिलिट्री की इंजीनियरिंग कोर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रिज लेयर टैंक की। तो ये ब्रिज लेयर टैंक होते क्या हैं और इनका क्या काम होता है, इसके बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। तो और समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। तो ब्रिज लेयर टैंक एक कॉम्बैट इंजीनियरिंग व्हीकल को कहते हैं जिसे आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज यानी कि AVLB को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। और इस तरह के टैंक्स का मुख्य काम होता है मिलिट्रीज को बड़े ऑब्स्टिकल्स यानी कि बड़ी रुकावटों से पार कराने में मदद करना। जैसे कि मान लो मिलिट्री को अपने बड़े मेन बैटल टैंक्स और अदर कॉम्बैट व्हीकल्स को एक ऐसी जगह पर तैनात करना है जहां पहुंचने के लिए उन्हें नदी जैसे बड़े ऑब्स्टिकल्स को पार करना है, और ये नदी इतनी गहरी है कि मिलिट्री व्हीकल्स इसके ऊपर से होते हुए इसको पार नहीं कर सकते हैं, और न ही उस नदी के आसपास कोई ऐसा पुल है जिसके ऊपर से इतने ज्यादा वजन वाले व्हीकल्स पार हो सकें। और तब ऐसे ही हालातों में ब्रिज लेयर टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्रिज लेयर टैंक्स अपने ऊपर 19 मीटर या उससे भी लंबे असॉल्ट ब्रिजेस को कैरी करते हैं, और ये टैंक अपने ऊपर के ब्रिज को एक्सपेंड करके एक ब्रिज यानी कि एक पुल का निर्माण करता है जिसके ऊपर से ज्यादा वजन वाले मिलिट्री व्हीकल्स आसानी से पार हो सके। और जब सारे मिलिट्री ऑब्स्टिकल को पार कर लेती है तब ये टैंक खुद इस ब्रिज के ऊपर से होते हुए ब्रिज के दूसरे एंड से इसको दोबारा से अपने में कनेक्ट कर लेता है। और इस तरह के ब्रिज लेयर टैंक्स को खास तौर पर किसी मेन बैटल टैंक के चेसिस को कन्वर्ट करके ही बनाया जाता है। हालांकि यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि दुनिया में 6x6 या फिर 8x8 के ट्रक चेसिस को कन्वर्ट करके भी इस तरह की ब्रिज लेयर एप्लीकेशंस का निर्माण किया जाता है। और आज के समय में इन टैंक्स के ऊपर जिस मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज यानी कि AVLB का इस्तेमाल किया जाता है उसकी शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध से। और कुछ मिलिट्री ब्रिज लेयर टैंक्स में छोटे हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि एयर डिफेंस मशीन गन जो कि ग्राउंड और एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है। और इसके अलावा ब्रिज लेयर टैंक के क्रू मेंबर्स की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उन्हें पर्सनल वेपन से भी इक्विप किया जाता है। और इन टैंक्स के ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले मल्टी स्पैन असॉल्ट ब्रिज फुली डेक रोडवे और फोल्डेबल डेक मैकेनिज्म पर काम करते हैं ताकि इन्हें आसानी से कहीं पर भी तैनात किया जा सके। और वर्तमान समय में इंडियन आर्मी भी ब्रिज लेयर टैंक का इस्तेमाल कर रही है जिसे अर्जुन मेन बैटल टैंक के चेसिस को कन्वर्ट करके बनाया गया है। और भारत का अर्जुन ब्रिज लेयर टैंक दो तरह के ब्रिजेस को कैरी कर सकता है, एक स्टील ब्रिज जिसकी लंबाई है करीब 24 मीटर और एक एल्युमिनियम ब्रिज जिसकी लंबाई है करीब 26 मीटर, और इन दोनों ब्रिज को किसी भी एंड से दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। और ऐसा दावा है कि अर्जुन पर आधारित आर्मर्ड ब्रिज लेयर किसी T-72 बेस यूनिट से ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि DRDO 12 T-72 टैंक्स पर आधारित ब्रिज लेयर टैंक्स का भी निर्माण कर रही है जिनमें से 6 टैंक्स इंडियन आर्मी को डिलीवर किए जाने के लिए तैयार हैं। और T-72 ब्रिज लेयर टैंक्स को कई मॉडर्न और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजिकल फीचर्स से भी इक्विप किया गया है। और इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास एक कार्तिक नाम का आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज भी है जिसे CVRDE और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन और डेवलप किया है, और ये सेकंड जनरेशन का इंडियन ब्रिज लेयर टैंक है जिसे सबसे पहले 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें विजेंता टैंक के हल का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा भारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक खास तरह के ब्रिजिंग सिस्टम को भी विकसित किया है जिसका नाम है सीज यानी कि कैनाल एम्बैकमेंट असॉल्ट इक्विपमेंट। बाकी इंडियन आर्मी एक ट्रक माउंटेड मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करती है जिसका नाम है सर्वत्र, और इसे भी DRDO की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। और ये सर्वत्र करीब 75 मीटर लंबा मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जिसमें एल्यूमिनियम एलॉय से बने हुए 5 सीजर ब्रिज शामिल हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।